Hello all, my name is Himanshu Rawat and I welcome you all to our Constitution series, Indian Polity, Lakshmikant through 6th edition for your UPSC exam. So कल हमने अभी तक जो किया है वो है बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर 2 करेंगे और आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो क्या हालात थे, वो क्या बैकग्राउंड था जिन बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड महसूस होती है और अलग अलग टाइम पीरियड पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की जाती है। और इसी क्रम में, इसी सीरीज में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है एम एन रॉय का, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। एम एन रॉय, ही डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934 एंड देन इन 1935 कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। सो अगर हम इनफॉर्मली बात करें, अनऑफिशियल बात करें, तो एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो यार, हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता क्यों है? हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत इसलिए है ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें जो कि इंडियन डिमांड्स को फुलफिल करे, जो इंडियन नीड्स को फुलफिल करे। और 1935 में इन्हीं डिमांड्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर दिया जाता है बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 1938 में हम देखते हैं कि नेहरू डिमांड करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अकॉर्डिंग टू नेहरू, इंडिया नीडेड अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन एम्बिशंस को, इंडियन एस्पिरेशंस को फुलफिल करे, राइट। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1940 में होता क्या है कि जो डिमांड की गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड की गई थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है इन अगस्त ऑफर 1940, राइट। सो पहली बार जो है आपको इंडियन डिमांड को एक्सेप्ट करता हुआ देखा गया है अगस्त ऑफर में 1940 में। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्रिप्स मिशन 1942, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यस, वी विल गिव यू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वी विल प्रोवाइड यू विद एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन वंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड विल गेट ओवर। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हो जाएगा, क्रिप्स मिशन का ये प्रॉमिस था कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन वॉज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। क्यों मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया गया था? क्योंकि 1940 में आप देखेंगे कि अब जो है पाकिस्तान की जो डिमांड है वो अपने पीक पर है, और अब मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान डिमांड कर रही है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर आस्किंग फॉर अ सेपरेट कंट्री एंड दैट इज द रीजन दे रिजेक्टेड द प्रपोजल गिवन बाय क्रिप्स मिशन। तो ये आपके यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्रिप्स मिशन ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल दिया था उसे किसने एक्सेप्ट किया और उसे किसने रिजेक्ट कर दिया। तो मुस्लिम लीग उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन जो है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, राइट। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन इट प्रेजेंटेड अ स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कैबिनेट मिशन ये कहता है कि ओके बॉस, वी विल नॉट प्रोवाइड यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन हम आपको एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्टेड होगा और आपके कांग्रेस को भी एक्सेप्टेड होगा। और कैबिनेट मिशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो काफ़ी हद तक दोनों जो ग्रुप हैं आपकी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, राइट। इसके बाद बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये है आपका कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये बनी कब थी? ये बनी थी 1946 में। ये सवाल आपका पूछा गया है ऑलरेडी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये किसकी रिकमेंडेशन पर फॉर्म हुआ था, किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये 1946 में बनाया गया था, 1946 नवंबर 1946 में बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें जो टोटल नंबर है दैट इज 389, तो लगभग आपके टोटल 389 इसमें मेंबर्स आपके होते हैं।
जिसमें से अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया की, तो लगभग 296 जो मेंबर थे वो आपके ब्रिटिश इंडिया से थे, और प्रिंसली स्टेट से लगभग 93 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो होता क्या है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एबॉलिश हो जाती है, और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है, तो भारत में क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, और क्राउन रूल आते ही भारतीयों को ये प्रॉमिस करता है दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट एनेक्स एनी न्यू टेरिटरी, और जो पुरानी टेरिटरीज हैं वो कंटिन्यू करेंगी। इसका मतलब आपका जो इंडिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो तरह का इंडिया हो जाता है। एक है आपका ब्रिटिश इंडिया, जिसमें ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल होगा, और एक है आपका प्रिंसली स्टेट, जहां पर इनडायरेक्ट रूल होगा ब्रिटिशर्स का। तो यही हम बात कर रहे हैं कि टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है, दैट विल बी 389, एंड आउट ऑफ दिस 389 ब्रिटिश इंडिया के पास जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो होंगी 296, वेयर एज प्रिंसली स्टेट्स विल हैव 93 सीट्स, राइट। इनका जो आधार होगा, इनका जो पैरामीटर होगा, इनका जो बेसिस होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉपुलेशन। यानी ये जो नंबर ऑफ सीट्स को एलोकेट किया गया है, डिवाइड किया गया है, इसका जो बेसिस है वो पॉपुलेशन को रखा गया है, और एक सीट में लगभग 10 लाख पॉपुलेशन को रखा गया है। यानी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट को एलोकेट किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि व्हाट वाज द बेसिस फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स वाज पॉपुलेशन। तो एक सीट 10 लाख लोगों के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पैरामीटर्स की बात करें, तो ये जो सीट्स हैं इनको तीन कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया है। पहली कम्युनिटी है मुस्लिम, दूसरी कम्युनिटी है सिख, और तीसरी है जनरल, राइट। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो सीट्स हैं, जो सीट एलोकेशन है, इसके दो आधार हैं। पहला पॉपुलेशन, एक सीट 10 लाख लोगों के ऊपर यानी 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो सीट्स हैं इनको तीन कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मुस्लिम, दूसरा है सिख, और तीसरा है जनरल। जब हम जनरल की बात करेंगे तो इसमें हर वो पॉपुलेशन शामिल होगी जो कि मुस्लिम नहीं है और सिख नहीं है। हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे दैट सीट्स टू बी डिवाइडेड अमंग द थ्री कम्युनिटीज विच वर मुस्लिम, सिख एंड हिंदूज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मुस्लिम, सिख एंड जनरल जो है इसके आधार पर सीटों का एलोकेशन होगा, और जनरल में आपके मुस्लिम और सिख जो है वो मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने लोग हैं वो आपके जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये जो तीन कम्युनिटीज हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दे विल बी इलेक्टेड। कहां से इलेक्टेड होंगे? दे विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी अभी तक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, जिन्होंने लेक्चर देखा या जिन्होंने पढ़ा है, आपको आइडिया लग चुका है कि आपकी एक सेंट्रल असेंबली है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और नीचे आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे किया जाएगा? ये जो कम्युनिटीज हैं इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनका इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन कहाँ पर होगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, ठीक। प्रिंसली स्टेट्स के अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, तो प्रिंसली स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा? Those representatives will be nominated by the heads of that particular princely state. कोई भी princely state है, उनका जो head होगा या तो वो represent करेगा या फिर उसके द्वारा nominated व्यक्ति जो है princely state को represent करेगा constituent assembly में, ठीक। Constituent assembly किस तरह की body है? So it is a partly elected and partly nominated body. Very important point, and as far as I remember, ये question already पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट ये आया था दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ होली इलेक्टेड बॉडी। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग आपके इलेक्टेड थे और कुछ लोग आपके नॉमिनेटेड हुआ करते थे। जब हम इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था, राइट। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है इसमें, इनडायरेक्ट इलेक्शन है इसमें, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे ये कब हुए थे? तो ये जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, 1946 में हुए थे। जुलाई से स्टार्ट होते हैं और इसको होने में लगभग अगस्त तक का टाइम आ जाता है। जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जब ये इलेक्शन हुए थे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में कोई जीतेगा और कोई हारेगा। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस को नंबर ऑफ सीट्स कितना मिला था, कितने नंबर ऑफ सीट उन्होंने जीता था? दैट वॉज 208।
208, लगभग 208 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती थी और मुस्लिम लीग 73 सीट्स जीत पाई थी। इसके अलावा इंडिपेंडेंट और काफी छोटे दल थे, उन सबको अगर मिला लिया जाए तो लगभग 15 सीटें इंडिपेंडेंट और अदर स्मॉल पार्टीज ने जीती थी। ठीक है, प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन। अब प्रिंसली स्टेट ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? अब देखो, अब समझो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है और माउंटबेटन प्लान है, तो उसमें हुआ क्या था, पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो एक देश होगा आपका पाकिस्तान, एक देश होगा आपका इंडिया, राइट। प्रिंसली स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया कि प्रिंसली स्टेट्स अगर चाहे तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें और अगर वो चाहे तो वो भारत को ज्वाइन करें, और तीसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि इफ दे वॉन्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट देन दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। उनके पास ये अधिकार है कि वो अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, और यही कारण होता है कि प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने देखा था कि जुलाई अगस्त में इलेक्शन होते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और 9th of December 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि किस डेट को सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कंडक्ट हुई थी। 9th of December 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली जो मीटिंग है वो कंडक्ट की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो इस मीटिंग को बॉयकॉट कर देती है। आप देखें, अगर यहाँ पे हमने देखा कि मुस्लिम लीग केवल 73 सीट्स जीती है और कांग्रेस 208 सीट जीतती है, इंडिपेंडेंट एंड अदर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज दे वॉन अराउंड 15 सीट्स। तो ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग्स थे दे वर इन सपोर्ट ऑफ कांग्रेस एंड कांग्रेस ऑलरेडी मेजोरिटी में है, तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि अगर हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें डोमिनेंस जो होगा वो कांग्रेस का होगा, एंड दैट इज द रीजन दे बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, लेकिन मीटिंग तो होती है, तो मीटिंग जब होती है तो अब मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए आपको एक प्रेसिडेंट की आवश्यकता है, एक अध्यक्ष की जरूरत है, एक स्पीकर की जरूरत है। तो डॉक्टर सचिदानंद जो है वो टेम्पररी प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो सवाल आपसे पूछेगा कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर विल बी डॉक्टर सचिदानंद, राइट। बट आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर सचिदानंद वॉज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट। उन्हें क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है ताकि डॉक्टर सचिदानंद प्रेसिडेंट बने और मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें, उसे कंडक्ट करें, सो दैट बाद में जितने भी ऑफिसेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, राइट। तो ये फ्रेंच कन्वेंशन के हिसाब से जो सबसे सीनियर सिटीजन थे, जो सबसे सीनियर मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, तो टेम्पररी प्रेसिडेंट है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले प्रेसिडेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके अलावा दो वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है, पहले है एच सी मुखर्जी और दूसरे है आपके वी टी कृष्णमाचार्य। अभी तक ये किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट पीसीएस के अगर हम एग्जाम देखें, वन वर्ड या वन डे एग्जाम्स अगर हम देखें, तो वहां पर इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि देयर वर टू वाइस प्रेसिडेंट्स, नंबर वन एच सी मुखर्जी और दूसरे हैं आपके वी टी कृष्णमाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी एग्जाम में और कई सारे सीडीएस एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास होता है? एक तो बेसिक क्वेश्चन यही आपका बनता है, 13th December 1946 में जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, इस रिजोल्यूशन को मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दो सवाल यहां से बनते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये कब किया गया था? ये किया गया था 13th December 1946 में। तो अगला सवाल ये बनता है कि ये क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? सो इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। भाई जो फिलॉसफी है, जो आधार है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मूल है, जो फंडामेंटल है,
जो ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्टेड इन योर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में? तो इसमें ये लिखा है दैट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलम रिजोल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ये तीन अलग अलग बातें हैं जो कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मेंशन है। इंडिया क्या है? इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ठीक। भारत एक स्वतंत्र जो है संप्रभु और गणतंत्र देश बनेगा, ठीक। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, संप्रभु का मतलब जहां पे आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वयं ले सकते हैं, खुद ले सकते हैं। इस तरह के देश को सोवरेन कंट्री कहा जाता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जिस भी देश का जो हेड है अगर वो इलेक्टेड है, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, उस पर्टिकुलर कंट्री को रिपब्लिक कहा जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? ये बात करता है यूनियन ऑफ इंडिया की, राइट, दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन। तो भारत में जितनी टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश इंडिया में जितनी टेरिटरीज हैं, वो सब मिलाकर बनाएंगे क्या? यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में देखने को मिलता है। और क्या मिलता है यहाँ पे? नेहरू के द्वारा जो प्रेजेंट किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसमें लिखा है दैट वेयर इन द सेट टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच अदर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल पजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स टुगेदर विद रेसिडरी पावर्स एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बेसिकली ये लिखने की कोशिश की गई है, ये बताया जा रहा है कि कोई भी टेरिटरी जो कि भारत में शामिल अगर नहीं होती है, राइट, अगर वो भारत के साथ उस वक्त बॉर्डर शेयर करती है लेकिन बाद में वो बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो उनको ये अधिकार होगा दैट दे विल बी कंसिडर्ड एज ऑटोनोमस यूनिट। और उनकी जो रेसिडरी पावर्स होंगी वो किसके पास होंगी? वो उन्हीं के पास में होंगी, और इंडियन गवर्नमेंट का उसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं होगा। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, ठीक। लेकिन ये उस वक्त लिखा गया था, उस वक्त के सिनेरियो, उस वक्त की कंडीशंस में लिखा गया था, लेकिन अगर आप आज की बात करो तो आज ये रेलिवेंस नहीं है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की ही, अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहते हैं वेयर इन ऑल पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो सोवरेनिटी है, जो इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया है, वो हम कहाँ से ड्राइव करते हैं? वो हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है प्रियम्बल में, राइट। तो यहाँ पर नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया है उसमें ये कहते हैं कि पावर्स एंड अथॉरिटी, सोवरेनिटी एंड द इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया विल बी ड्राइव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। और क्या बात करते हैं, कुछ कीवर्ड्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, जो बाद में आपके प्रेम्बल में भी देखने को मिलते हैं। कीवर्ड्स लाइक जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, राइट। तो ये सारी बातें आपको प्रेम्बल में भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं प्रेम्बल काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, काफी ज्यादा मोटिवेटेड था, इंस्पायर्ड था आपके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। Wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, minorities के लिए अलग से प्रावधानों के बारे में, उनके rights को protect करने के बारे में objective resolution बात कर रहा है, backward classes के बारे में बात कर रहा है, tribal areas के बारे में बात कर रहा है, depressed classes के बारे में, other backward classes के जो rights हैं, जो interest हैं, उनको protect करने के बारे में बात कर रहा है, right? इसके अलावा it is also talking about the integrity of the territory, integrity of the territory of the republic. राइट, भारत का जो गणतंत्र है उसकी जो अखंडता है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सोवरेन राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल और द इंडियन टेरिटरी, राइट। जब हम इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो उसमें लैंड भी है, उसमें सी भी है, उसमें एयर भी है, तो लगभग सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें? इस रिजोल्यूशन में ये लिखा है दैट दिस रिजोल्यूशन वॉज यूनैनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली On January 22, 1947। तो देखो यहाँ पे दो चीजें समझो आप कि
एक तो ये कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसको एक्सेप्ट कब कर दिया गया था, इसे एडॉप्ट कब किया गया था, इसको किया गया था 22 जनवरी 1947 में। तो ये आपके पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रेजेंट किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको यूनैनिमसली अडॉप्ट कर दिया गया था। यूनैनिमसली अडॉप्ट का मतलब किसी ने भी इसके विरोध में बात नहीं की थी, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था, राइट। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसी को हम प्रेम्बल भी कहते हैं, और उसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट भी किया है और उसे एक्सेप्ट भी किया है। ठीक, अगले टॉपिक में जाते हैं, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक, तो कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि माउंटबेटन जो प्लान है दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन 3 जून 1947, एंड माउंटबेटन प्लान इज टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, कि किस तरीके से भारत का पार्टीशन किया जाएगा और दो डोमिनियन बनाए जाएंगे, एक होगा इंडियन डोमिनियन और दूसरा होगा आपका पाकिस्तानी डोमिनियन, राइट। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली, द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। तो यार देखो होता क्या है कि आपका जो प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट, वो इनिशियली विरोध में होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट लेटर ऑन वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि वो उसे ज्वाइन कर लेते हैं, दे फॉर्म द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो ये सारी चेंजेस आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट से देखने को मिलते हैं। ठीक, तो पार्टीशन जो है वो डिक्लेयर किया गया है, पार्टीशन प्लान डिक्लेयर किया गया है थ्रू माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 1947। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कुछ बदलाव किए जाते हैं, इसके द्वारा कुछ बदलाव किए जाते हैं क्या। नंबर वन, द असेंबली वॉज मेड अ फुल सोवरेन बॉडी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से एक संप्रभु बॉडी बना दिया जाता है, एक सोवरेन बॉडी बनाया जाता है। कैसे हम ये बोल सकते हैं, इसमें इनको ये अधिकार दिया जाता है कि ये अपने अनुसार, ठीक है, अपनी प्रेफरेंसेस के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। और इससे पहले का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, अगर उसको भी अडॉप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें अगर कोई बदलाव करना चाहे तो कर सकते हैं, एंड फॉर दैट दे डू नॉट नीड द परमिशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा बदलाव आपको क्या देखने को मिलता है, द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर है ना, ये दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक ये काम कर रहे हैं एज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, उसको फ्रेम करने का काम कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया और शाम तक ये तैयार हो जाएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। तो आपको 2 साल 11 महीने 18 दिन तक के लिए आपको देश चलाना है, आपको देश चलाने के लिए कानून बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, तो ये जो काम होगा ये काम भी यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो काम कर रही है, राइट, फ्रेम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सो ये जो असेंबली है इसको कंसीडर भी किया जाता है एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। भाई पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, पार्लियामेंट ही आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, और हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रही है, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, हालांकि डोमिनियन लेजिस्लेचर था, बट स्टिल अभी फ्री इंडिया का एक इसको फर्स्ट पार्लियामेंट कंसिडर किया जा रहा है। अब इसमें एक और बात आपको याद रखना है, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जब ये असेंबली मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो इसके हेड होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जब ये लोग मिलेंगे एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, राइट, एक ऐसी असेंबली के तौर पर जब ये मिलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए बैठे हैं,
तो इसको चेयर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब सेम बॉडी एज लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी, जब ये देश को चलाने के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए मिलेंगे, कानून बनाने के लिए मिलेंगे, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी जब ये गैदर करेंगे, देन दे विल बी चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर। तो सवाल आपका ये बनता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव जो बॉडी है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उसके जो हेड है उनका नाम है जीवी मावलंकर। और ये काम कब तक चलता है? ये चलता है 26 नवंबर 1949 तक, राइट, जब आपका संविधान पूरे तरीके से बन जाता है 26 नवंबर 1949। तो ये 26 नवंबर 1949 तक दो तरीके से बॉडी काम करती है। और क्या काम किए इस बॉडी ने? तो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपार्ट फ्रॉम बिहेविंग और वर्किंग एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ और भी इन्होंने काम किए। क्या काम किए? इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। यानी आपको याद होगा 1947 का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसमें एक प्रावधान ये भी था कि इफ इंडिया और इफ पाकिस्तान वॉन्ट टू सीसीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ दे कैन डू सो। अगर भारत या पाकिस्तान कॉमनवेल्थ ग्रुप से अपने आप को अलग करना चाहता है तो उनको ये अधिकार है, राइट। यानी ये चॉइस किसके पास है? ये चॉइस भारत के पास है, चॉइस पाकिस्तान के पास है। तो भारत क्या फैसला लेता है? भारत जो है कंटिन्यू करता है कॉमनवेल्थ नेशन के साथ अपनी मेंबरशिप। तो 1949 मई 1949 में भारत रेटिफाई कर देता है कि यस वी विल कंटिन्यू विद अवर मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ नेशंस। एक तो ये काम होता है। दूसरा, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। पीसीएस में इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि भारत ने अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसे कब अडॉप्ट किया था? तो भारत ने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को। और इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। भारत के पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है 24 जनवरी 1950 में। तो ये अदर फंक्शंस हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशन कंडक्ट किए थे, और इन 11 सेशन को कंडक्ट करने में दे टुक अराउंड 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर योर पीसीएस एग्जाम्स, राइट। तो लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय इनको लगता है, ठीक। भारत के जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और वहां से कुछ प्रावधान लिए और तब उसको इंडियन कंडीशन, इंडियन सिचुएशंस के हिसाब से उन्हें चेंज किया और भारत के संविधान में शामिल किया, राइट। भारत का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो ड्राफ्ट इसका जो बना, उसको कंसिडरेशन में लगभग 114 दिन लग गए। यानी जब ड्राफ्ट बनाया तो उसके ऊपर चर्चा होगी, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको लगभग 114 डेज लग जाते हैं। और 64 लाख आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल खर्चा होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि कितना पैसा लगा था आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो 64 लाख रुपए का खर्चा इसमें आया था, राइट। ऑन 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन कब होता है, 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को हमने इसे अडॉप्ट कर दिया। तो ये तो अलग अलग डेट्स हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम सेशन हुआ था आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, और तब से हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। इसके अलावा कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो लगभग आपकी 8 मेजर कमिटीज थी, और इसके अलावा जो कमिटीज थी उन्हें माइनर कमिटीज कहा गया है। यानी जो बड़ी कमिटीज हैं, देखो कमिटीज का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर काम होगा, राइट, और उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए पर्टिकुलर एक्सपर्टीज होगा। तो कुछ लोगों को नियुक्त किया गया कि बॉस आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है। तो बड़ी जब हम कमिटीज की बात करेंगे तो 8 आपकी मेजर कमिटीज थी, और अगर हम छोटी मोटी कमिटीज की बात करें तो काफी कमिटीज आपको, माइनर कमिटीज काफी देखने को मिलती है।
अब अगर हम बात करें इन मेजर कमिटीज की, तो हमें सारी कमिटीज के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कमिटीज हैं जिनके चेयरमैन के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में सवाल पूछ लेता है। जैसे यूनियन पावर्स कमिटी को किसने हेड किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हेड किया था। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वॉज हेडेड बाय सरदार पटेल। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमिटी। सो ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट है, जिसको हेड किया था सरदार पटेल ने, सो एंड सो फोर्थ, राइट। और जो आठवीं आपकी मेजर जो कमेटी है वो है स्टीयरिंग कमेटी, जिसको हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फैक्चुअल है, आप चार से पांच बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनर कमिटीज के बारे में बात करें तो पहली आपकी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया था। क्रीडेंशियल कमेटी वॉज हेडेड बाय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देन यू हैव एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसको हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेडेड बाय जीवी मावलंकर, राइट। जीवी मावलंकर वही है जो कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को हेड कर रहे थे। एडहॉक कमिटी की बात करें, एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, तो इसको हेड किया था एस वारदाचारी ने, एंड एस वारदाचारी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द असेंबली। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन वॉज हेडेड बाय एस के धर। और आगे जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको ये टॉपिक बाद में भी दिखाई देगा। लिंग्विस्टिक कमीशन के हेड थे एस के धर, राइट, एंड एस के धर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बनते हैं। फैक्चुअल इसमें समझने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपके पास लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है या फिर अगर आपके पास 5th एडिशन भी है तो भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो मैंने आपको बताई थी वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी, एंड हमने देखा कि ड्राफ्टिंग कमिटी किसने हेड की थी, इट वॉज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी जो है ये बनी थी आपकी 29th अगस्त 1947 में, और इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वो आपको चार से पांच नाम दे देगा और आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन कौन है जो एसोसिएटेड है आपके ड्राफ्टिंग कमीशन से, ड्राफ्टिंग कमिटी से। तो आप ये नाम जो है चार से पांच बार जरूर पढ़िएगा, आपको याद हो जाएंगे। तो चेयरमैन तो मैंने आपको बता ही दिया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अपार्ट फ्रॉम बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर मेंबर थे, काफी इंपॉर्टेंट मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके अलावा एन माधव राव जो है ये भी मेंबर है आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर को, जिन्होंने अपनी खराब सेहत की वजह से रिजाइन कर दिया था। और उसके बाद है आपके टी टी कृष्णमाचार्य, और इन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खेतान को, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो एलिफेंट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ए के ए लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर कौन थे, तो बी एन राव इसके लीगल एडवाइजर हुआ करते थे। एस एन मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑलरेडी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको ये याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा। तो इन्होंने क्या किया था, ही वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा के द्वारा, एंड ही वॉज ऑल्सो द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The original version was beautified and decorated by artists from Shanti Niketan, including Nandlal Bose and Bewar Ram Manohar Sinha. तो नंदलाल बोस जी का नाम आप याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। शांति निकेतन से बिलोंग करते थे और इन्होंने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डेकोरेट किया था, ठीक।
टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे पहले अगर हम बात करें, ओरिजिनली अगर हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात नहीं करता है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट के बारे में. ठीक है, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का क्या मतलब हो गया? देखो यार, जब आप एग्जाम देते हो तो आपको एक साइड इंग्लिश में पेपर मिलता है और एक शायद हिंदी में पेपर मिलता है. ठीक, और कई बार गूगल ट्रांसलेशन की वजह से जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो यूपीएससी का क्या कहना है, यूपीएससी का कहना है कि हमारा जो ऑथोरिटेटिव जो टेक्स्ट होगा वो इंग्लिश माना जाएगा. इसी तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, राइट. तो ओरिजिनली ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट क्या होगा इसके बारे में बात नहीं हुई थी, लेकिन 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के द्वारा ये कहा गया कि अब क्या होगा, आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा या इन फ्यूचर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना भी अनिवार्य होगा, वो भी जरूरी होगा. और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 394 क्लॉज ए में ये बात लिखी गई है. ठीक, और क्या लिखा गया है इसमें, इसमें ये लिखा गया है दैट इट विल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, कि वो क्या करेगा, ही विल मेक श्योर कि आपका जो ट्रांसलेशन है, जो अमेंडमेंट जो किए जा रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो. राइट, ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट. ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट बनता है दैट ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश. जो भी बातें आप इंग्लिश में लिखेंगे या अमेंडमेंट में लिखेंगे या कोई भी नया प्रावधान आप बनाएंगे तो वो आपका हिंदी लैंग्वेज में भी शामिल किया जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बनता है. ठीक, इसके अलावा ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट क्या होगा आपका, ये यूपीएससी पूछ सकता है आपसे. तो हिंदी को कंसिडर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट. ठीक है, फॉर ऑल पर्पसेस इट शैल बी दी हिंदी विच विल बी कंसिडर्ड एज ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट. कि अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है इंग्लिश में और हिंदी में तो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है उसको ऑथोरिटेटिव माना जाएगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है. सो विद दिस हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. मोर और लेस काफी हद तक फैक्चुअल था ये, इसमें समझने के लिए कुछ खास था नहीं, लेकिन आप इसको 3 से 4 बार आप जरूर पढ़िएगा. आपके पास लक्ष्मीकांत का 6th edition है या फिर अगर आपके पास 5th edition भी है तो वो भी लगभग मोर और लेस आपका सिमिलर ही है. तो आप उसको जरूर पढ़िए और रिवाइज करिए, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. इसी वीडियो को अगर आप 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स काफी अच्छे से आपको याद हो जाएंगे. राइट, सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.